दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि ये हरकत पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आई। मेरे तो ऊ नॉर्मल मेकअप तक कराना जाता है, यो मेकअप करना पड़ रहा है। मैं कोई आया था तो बोल के चल गई हो। इसे इसे काम क्यों कर रहा है तू? सिर के मुंडी लाग गए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा व्लॉग्स चैनल पे। तो गाइस, आज के व्लॉग में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो मैंने तो आज तक किया नहीं और एकदम अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में आइडिया आ गया। एक्चुअली सिचुएशन ये है कि मम्मी और रोहित गए हुए हैं शॉपिंग के लिए, आई मीन, और मैं घर पे ही हूँ। और अभी घर पे लेटी लेटी मेरे दिमाग में आया कि क्या यूनिक ऐसा कर सकते हैं कि भाई मेरे लिए आप सब बहुत ज़्यादा मैटर करते हो और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको हमेशा अपना 100% दूँ कि आप एंटरटेन होते रहो। तो आज का जो एंटरटेनमेंट का सीन है वो बहुत ही फ़नी होने वाला है क्योंकि एक मैं फ़नी गेटअप लूँगी और फिर उनके रिएक्शंस देखते हैं कि उनका रिएक्शन क्या होगा, रोहित का और मम्मी का। तो उसके लिए शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा फेस पे चेंज करना पड़ेगा और करते हैं शुरुआत। ड्रेस भी चेंज करनी पड़ेगी, सारे लुक चेंज करने पड़ेंगे, तब उसका असली मज़ा आएगा। तो गाइज, मैंने रोहित की टी शर्ट ले ली है और अब हम अपने लुक की तैयारी करते हैं कि मैं अपना लुक कैसे चेंज करूँ। तो फ़ोन यहीं सेट करना पड़ेगा, जैसे तैसे उसको हम शुरुआत करते हैं व्लॉग की। तो गाइज, आज के लुक में कनिका नहीं रहेगी। कनिका का क्या नाम रखे हम? यो क्या बॉय, नहीं ज़्यादा हो गया, मेरे फेस पे प्रॉब्लम्स बढ़ ना जाए जो कि अभी हो रखी हैं, उसके लिए मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र, उसके बाद हम अपना लुक चेंज करना शुरू करोगे। मुझे हंसी आ रही है, ये मैं क्या करने जा रही हूँ गाइस? दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि ये हरकत पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आई। चलो इसको एकदम से दिखाती हूँ या दिखा दूँ? चल देखो, मैं अपना कॉम्प्लेक्शन डार्क कर रही हूँ गाइस, मेरा ना होगा या ना, ताकि वो मेरे को एकदम देख के डर जाए। ये प्रोसेस मैं कंप्लीट करती हूँ फिर मिलती हूँ। मेरे तो ऊ नॉर्मल मेकअप तक कराना जाता है, यो मेकअप करना पड़ रहा है। बस रोहित तरह आ ना जा, अगर ये चीज उन्होंने पहले ही देख ली ना, मेरा तो कोई पॉइंट नहीं है ये वीडियो बनाने का। जल्दी जल्दी हाथ पे मारने लग रही हूँ, हो जा। अब थोड़ा डरावना लगा, बस ऐसे ही उनको डरावना लगना चाहिए। बेरा ना, हम कितनी मेहनत करते रहे हैं, तो आज की एक वीडियो, आज के इस वाले ब्लॉग पे अभी कर चल मतलब करते करते लाइक कर दो जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी, और कमेंट भी जरूर करो भाई, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको एंटरटेन करने के लिए, देखो कैसा हुलिया बना लिया है। भाई साहब, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। पता है कई बार क्यों है, कुछ व्लॉग हम इतनी मेहनत करते हैं व्लॉग बनाने में, व्लॉग चले ना चले हमने उससे मतलब ना होता, पर जो हमने मज़े आ जाए व्लॉग शूट करके, ओहो। थोड़ा नेक भी करना पड़ेगा वरना अलग से ही दिखेगा, डरेंगे नहीं ना वो। मैं पहले कुछ और सोच रही थी, अब मैं कुछ और सोच रही हूँ। अगर मैं ये रूप ले रही हूँ तो मैं काली माता भी तो बन सकती हूँ, राइट? काली माता बनूँ? यस, काली माता बनते हैं और रोहित को परेशान करेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और किसी को ये हरकत पसंद आए या ना आए, आई एम श्योर, पर रोहित को ज़रूर पसंद आने वाली है क्योंकि रोहित को ये उल्ट पटांग चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। ओह गॉड, ज़्यादा नहीं करती, फिर वॉश करने में भी प्रॉब्लम आएगी। शर्ट के बटन ऊपर तक बंद कर दूंगी ताकि नीचे नेक तक ज़्यादा ना करना पड़े, ये अब ठीक है। पर मैं तो क्या करूँ, मैं समझ नहीं आ रहा।
कंफ्यूज्ड हूँ माता में या फिर ऐसा भयंकर रूप अपनाने में। वही है ना, अब बंदे घर में कई होते हैं ना, तो एक आध को अपनी साइड कर लेती। अब सारे अगर रिवील कर देती रोहित के आगे कि ये मैं कर रही हूँ, तो फिर शायद प्रैंक का कोई मतलब नहीं बनता है ना। क्या करूँ, रेड लिपस्टिक तो मेरे पास है नहीं, यो लगा लूँ, रोहित वाली बात है। क्या आप लोग तैयार हैं मेरा लुक देखने के लिए? तैयार हैं तो देखो। तो मैंने है ना गाइस माता बनने का आइडिया ड्रॉप कर दिया है। वो क्यों? क्योंकि मान लो कुछ चीज़ों का मुझे ज्ञान नहीं, अभी मैं भी तो छोटी सी हूँ ना। और वो किसी ने कही है ना, धर्म के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, इसलिए मैं माता बन के कोई ऐसी चीज़ नहीं करने वाली जो मेरे अगेंस्ट चली जाए, क्योंकि मैं अज्ञान पक्षी हूँ, समझ रहे हो। इसलिए माता बनना कैंसिल, ऐसे ही देखते हैं कुछ। और क्या करूँ, कान भी करूँ क्या काले? कान तो रहने दूँ, बाद में दौड़ में प्रॉब्लम आओगी बहुत। चाहिए व्लॉग चले या ना चले, पर मेरे पूरे हो गए। तो गाइज अभी मैंने रोहित, मैं कितनी कौड़ी लगूँ। तो गाइज अभी मैंने रोहित को फ़ोन करके पूछा है तुम कहाँ रह गए हो, तो रोहित ने बोला है हमारी शॉपिंग हो गई है, हम आ रहे हैं। ओ गाइस मैंने शर्ट पहन ली ज्यादा अच्छी लुक के लिए। मैंने लुक तो ले लिया, पर मैंने नो समझ ना आ रही मैं उनकी गल करूंगी कि क्या करना चाहिए। मुझे ये दिखाना चाहिए कि मेरे अंदर काली आत्मा आ गई है, काली आत्मा, मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक हूँ, बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ अभी मैं घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देती हूँ ताकि वो एकदम डरे। बात बन सकती है ना, और भूतों का म्यूजिक चला दूँ, बेस्ट टीवी पे भूत। ओहो रोहित भी है ना, देखो कई दिन तक इतना पाउडर लिखड़ा है इसमें, था रिमोट, रिमोट कहूँ ड्रायर में था, मैंने कई दिन तक यो वाला ड्रायर यूज भी ना करा। देखे एसी के रिमोट तो मैं टीवी चलाऊँ, मेरा दिमाग चल गया, क्योंकि वे कद्दे भी आन हो रहे हैं ना इव, तो जल्दी जल्दी करना पड़े कि ते रिमोट इव रिमोट ना मिलता। बस बात कौन होता है ना भाई,
लगाया मैंने लाल खतरनाक दिखने के लिए। गाइस मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हूँ। ये इसे काम क्यों कर रहा है तू? सिर के मुंडी लाग गए है तू पूरा मुंह काट रहा है। अरे मुंडी ना और ना कुछ उंगलियां तो बड़े और किसी है यार। आज तेरा तू कनिका है। कनिका ले गया थारी कनिका गई आज तक कनिका। फिर तू कौन है? गई यो है यो यो कैन सिंग बस ऐसे समझ मेरा दिमाग घूम रहा है कि जीतने की मतलब कुछ और ये लट ले दे तोड़ दे वो कैन सिंग की। अगर रोहित सफेद बाल कर सकता है तो इस धरती पर कोई भी कुछ भी कर सकता है। सुन मेरा तो मुंह धू जाएगा ही के बाल क्यों के ठीक हो आएंगे। रुक जाना है फेस खराब हो जाएगा। रोहित का भाई इतना बुंडा छो उठ रहा है अब तो नाले में तो बर्दाश्त नहीं हो रही है। एक रील मुश्किल तो बनाई है। वह रील देखियो तुम बहुत अच्छी है। मम्मी नॉन स्टॉप मैंने देख कर लग रही है नू क्या मैं जिंदगी में तेरा यो लुक ना भूल सकती। बस रात रहे याद हो तो कर लियो वो भी तो दिक्कत बन जाएगी। कौन तो लग गया सा। अच्छा अगर ऐसे डायरेक्ट हम वॉश कर देते हैं उससे फेस खराब होता है तो गाइज हमेशा क्लींजर से फेस क्लीन करो। चलो मैं करके फिर मिलती हूँ। मतलब ये उतारे पीछे भी अभी सिर्फ क्लींजिंग मिल्क से हटाया मैंने फिर भी मैं इतनी ड्रॉप नहीं लगूँ नाखा की वजह से। जाके नहा आऊँ फिर बात करती हूँ। तो गाइज मैं नहा धो के आ गई हूँ। अब करते हैं खाने की तैयारी उसके बाद पेट पूजा हो जाएगी। क्या बहुत छोटू सी है। ओह माय गॉड ट्रैवल प्रेस ये पैकेट में से निकालने से अच्छे लगते हैं ज्यादा। ओए छोटी सी है यार ये देख। ओए कितनी क्यूट सी है देखने में अच्छी लग रही है ना। ये कहीं पे जाएंगे ना हम। सही है छोटी सी क्या देख 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 हल्की सी है। हां हल्की सी है और स्टीम वाली है। हां अच्छी है ना क्यूट सी बहुत क्यूट प्रेस है गाइस। और देखो छोटे बच्चों के लिए और देखते हैं क्या लेके आया रोहित। ये मस्त सेला रिजल्ट तो लेके आया हूं प्यूमा के। कई दिन हो गए थे रोहित ने खरीदे बिना जूते तो इसने शांति ना मिलती। ट्यूबलाइट रोहित ये ट्यूबलाइट ले रहा हूं खराब हो गई ना आई भी है इसके फोड़न ताई अभी मैं चेंज करूंगा इसको मेरा मारेगा तो फूटेगी। ट्यूबलाइट खराब हो रही है स्टोर में बोल दूं भी लाइट। अभी सिलवाऊंगी मैं एक आधा काम भी तो करना चाहिए ना गाइस को पता लगाना चाहिए रोहित काम करता है। यस रोहित काम करता है। आज रोहित उजाला कर देगा घर में। फोन के उस तक करनी पड़ेगी। शूट तो होता नहीं इस दिन हुए काम आ जाएगा। तो गाइस बताना ब्लॉग कैसा लगा और कमेंट जरूर करना। मैं देखूंगी किस किस ने कमेंट करा है। सच्ची में आप लोग इतने हजारों में व्यूज आते हैं लेकिन कमेंट 1000 भी नहीं आ रहा है आजकल तो आज सिस्टम हैंग कर देना कमेंट कर करके। तो ठीक है गाइस अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय टाटा।